उसके लिए हमको लेनी है एक डोरबेल। डोरबेल जब हम लेंगे वो हमको लेनी है बैटरी वाली, जैसे कि इसमें दो बैटरी डली, इस टाइप की आपको डोरबेल लेनी है। वो अलग अलग आवाज़ आप जो आपको आवाज़ अच्छी लगे उस आवाज़ में आप ले सकते हो। ये आपको लोकल मार्केट में 70 से 80 रुपये में मिल जाती है। हम इसको बचा के दिखाते हैं आपको, ये देखिए इस टाइप की इसकी आवाज़ है। आप लोगे वो अलग आवाज़ भी हो सकती है। अब फ्रेंड्स जब हम इसको बनाएंगे तो ये बिल्कुल सेफ बनेगी, इसमें करंट लगने का कोई खतरा नहीं है। अब वायरिंग कैसे करनी वो हम आपको बताते हैं। आपका जो ओवरहेड टैंक है पानी की टंकी, वहाँ से वायर डाल के लेके आइए एक, जहाँ आपको घंटी लगानी है घंटी तक, ये वाली वायर, इस टाइप की आप वायर टैंक से घंटी तक लेके आइए। वायर ये जो घंटी की दो वायर है, एक वायर को इसमें कनेक्ट कर दीजिए। इसमें कनेक्ट करने के बाद अच्छे से टेप लगा देंगे। ये टेप से कवर हो गई है। अब ऐसे ही ये वाली वायर को इसके साथ कनेक्ट करके टेप लगा देंगे। ये जो वायर आएगी ये वाटर टैंक तक की वायर जाएगी, जहाँ जहाँ आपका वाटर टैंक लगाया वहाँ से ये वायर डाल के हमको लेके आनी है। अब हमको इस घंटी के पास में, डोर बेल के पास में इस टाइप का स्विच बोर्ड लगाना, जहाँ से हमारी मोटर चालू या बंद होगी पानी वाली मोटर। उसके कनेक्शन कैसे करने वो हम आपको बताते हैं। एक वायर लेंगे रेड कलर की, वायर का एक एंड हम कनेक्ट करेंगे इधर 5-पिन सॉकेट का फेज वाले टर्मिनल में। और वायर के दूसरे एंड को ये वाले स्विच के आउटपुट टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। ये होगी मोटर के लिए। अब फ्रेंड्स हमको लेना है एक इस टाइप का फीमेल, ये 2-पिन टॉप का फीमेल है। आप मेल भी ले सकते हो, फीमेल भी ले सकते हो। इसको हमको खोल लेना है। इसको खोलने के बाद ये दोनों टर्मिनल हमको निकाल लेने हैं। इनकी जरूरत है, इसको हम साइड में रख देंगे, इसकी जरूरत हमको नहीं है। अब जो टैंक के अंदर ये वायर जाएगी, टैंक से हम वायर डाल के लाए हैं अलार्म के लिए, इसमें दोनों टर्मिनल लगाने हैं ये वाले। ये कैसे लगाने हैं, वायर को आप छोटा बड़ा कर लीजिए। अब ये वायर है, एक वायर आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसे कि ये हमने छोटा बड़ा कर रखा है, और यानी कि कम कर लेते हैं ये रेड वाली वायर को, कट कर लेते हैं इसको, इसको और छोटा करके और छील लेते हैं इस वायर को। अब फ्रेंड्स एक टर्मिनल को इसके साथ कनेक्ट करेंगे, ये वाली के साथ। और एक ये वाला ब्लैक वाले के साथ कनेक्ट करेंगे। ये फ्रेंड्स एक प्रकार की प्रोब बन गई है। ये हमने इसको डिस्टेंस में क्यों रखा था कि ये अगर पास रखेंगे तो वैसे भी टच होके हमारी अलार्म बजती रहेगी, क्योंकि इसको दूर रखेंगे जब इसको पानी टच होगा दोनों में तब ये बजना शुरू होगी। अब वो बजेगी कैसे वो हम आपको बताएंगे। और इनको ऐसे करके दूरी बना करके यहाँ से टेप से कवर कर दीजिए, ऐसे ऐसे कवर करेंगे। ये होगी प्रोब, ये देख लीजिए ऐसे प्रोब हमको बनानी है। अब ये जाएगी पानी टैंक के अंदर, पानी टैंक के अंदर। जैसे ही पानी टैंक इन दोनों को पानी टच करेगा, टैंक में जो पानी भरेगा दोनों को टैंक
टच करेगा तब ये बजना शुरू होगा। अब इसके कनेक्शन स्विच में कैसे करने वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि ये स्विच बोर्ड है, ये हो गया 5-पिन सॉकेट मोटर के लिए, और मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए ये वाला स्विच है। अब ये घंटी जहाँ आप लगाओगे वहाँ से वायर आएगी स्विच बोर्ड में। स्विच बोर्ड में वायर आने के बाद आप कोई भी एक वायर इसकी कट कर लीजिए। जैसे कि हम ये वाली वायर को कट कर देते हैं, यहाँ से कट किया। अब इसको इंसुलेशन को हटाएंगे, हटाने के बाद इस वायर को हम ये वाले स्विच के एक टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। और ये वाली वायर के को हम स्विच के दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। ये इस टाइप से आपको कनेक्शन कर लेने हैं, यानी कि इसके बीच में एक स्विच लगाना है आपको, ताकि जब भी आपकी टंकी भर जाए पानी से, अलार्म बजने लग जाए, उसके बाद आप अलार्म को बंद कर सको। अब इसकी इनपुट फेज और न्यूट्रल वाली वायर कहाँ कनेक्ट करनी है वो हम आपको बताते हैं। इनपुट फेज के लिए हम लेंगे रेड कलर की वायर, ये रेड कलर की वायर, इसको कनेक्ट करेंगे ये वाले स्विच के इनपुट टर्मिनल पे। हमको ये वाले स्विच को नहीं छेड़ना है क्योंकि ये प्रोब वाला स्विच है, इसमें कनेक्ट करेंगे इसको। और इनपुट न्यूट्रल के लिए हम लेंगे ब्लू कलर की वायर, ये कनेक्ट होगी 5-पिन सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे। जब भी आप ये अलार्म बनाते हो तब आप इसके बीच में एक स्विच जरूर लगाइए। यहाँ पे ये जैसे कि हमने स्विच लगाया है, आप ऐसे स्विच लगा दीजिए। और कहाँ लगाओगे, जहाँ आपका मोटर का जो प्लग रहेगा, सॉकेट रहेगा वहीं, क्योंकि दोनों एक साथ आप इसको ऑफ कर सको। अगर अलग अलग लगाओगे तो आपको अलग अलग जगह से इसको ऑन ऑफ करना पड़ेगा। अब ये हमारा बनकर रेडी हो गया है, बिल्कुल आसान तरीका है। ये आपका जो बैटरी से ऑपरेट होगा, और जब भी आप इसकी पावर बजना शुरू होगा तब इसको यहाँ से आप इसको ऑफ़ कर पाओगे। जैसे कि अभी ऑफ स्विच है, ऑन करके छोड़ेंगे तो ये बजने लग जाएगा। अभी हम आपको इसको टेस्ट करके दिखाते हैं। उसके लिए हम पानी का एक जार लेके आते हैं, उसमें आपको इसको टेस्ट करके दिखाएंगे। फ्रेंड्स, अभी हम ये स्विच को सीधा कर लेते हैं और इसको पहले हम पावर में कनेक्ट करेंगे। ये पावर में कनेक्ट कर लेते हैं, ये जो स्विच है इसको अभी ऑफ कर लेते हैं, और ये जो है ये पावर में कनेक्ट हो जाएगा। ये वाली इनपुट पावर मोटर के लिए पावर है ना, कि ये जो अलार्म है उसके लिए पावर नहीं देंगे हम, उसके लिए बैटरी से काम करेगा ये। और मोटर की जगह हम एक बल्ब होल्डर को लगाएंगे ताकि हम आपको दिखा सके। ये लगाया हमने बल्ब होल्डर, इसमें बल्ब लगा रखा है। ये प्रोब वाटर टैंक में जाएगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे करके। अभी इसकी पावर ऑन कर लेते हैं, और ये मोटर अभी चल रही है, ये देख लीजिए मोटर अभी रनिंग में है क्योंकि ये बल्ब जलने लग गया है। अब फ्रेंड्स, जब भी हम मोटर को चालू करेंगे उस टाइम पे इसको साथ में ऑन करके छोड़ेंगे, और ये जो प्रोब है ये हमारा वाटर टैंक के अंदर लटका रहेगा। जैसे इसको पानी टच करेगा, ये देखिए ये चीनी मिट्टी का ग्लास है जिसमें हमने पानी डाला है। अभी ये एक प्रोब हमने इसके अंदर डुबा के रखी है, देख लीजिए, और दूसरी प्रोब को जैसे ही पानी टच करेगा ये अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। अभी जब तक हम इसकी ये स्विच को ऑफ नहीं करेंगे तब तक ये बजता रहेगा। अब इस कंडीशन में हमारी पानी की टंकी भर चुकी है, तब हम ये दोनों स्विच को ऑफ कर देंगे। अभी ये ऑफ हो गया है, देखिए जैसे ही पानी का टैंक खाली होता है उस टाइम फिर हम मोटर को ऑन करेंगे। अभी ऑन है, और पानी जैसे ही इसको प्रोब को दूसरी प्रोब को टच करेगा फिर से बजना शुरू होगा, फिर हम इसको ऑफ कर सकते हैं। या फिर आपको अलार्म नहीं बजाना है, अलार्म को अकेले को ऑफ करना है, तो स्विच को ऑफ कर दीजिए, अलार्म आपका ऑफ हो जाएगा।
अलार्म ऑफ हो जाएगा और मोटर चलती रहेगी। दोनों एक साथ अगर फुल टैंक भर गया आप, दोनों एक साथ ऑफ कर दीजिए। अलार्म को भी अकेले को ऑफ कर पाओगे और साथ में। ऐसे आप एक डोर बेल से वाटर टैंक ओवरफ्लो अलार्म आसानी से बना पाओगे बिल्कुल कम कॉस्ट में। यानी कि ये जो डोर बेल है ये आपको 70 से 80 रुपए में लोकल मार्केट में मिल जाती है। और इसके हम आपको दोबारा से एक बार कनेक्शन दिखा देते हैं। जैसे हमने कनेक्शन किए थे वैसे ही कनेक्शन है, ये देख लीजिए। ये प्रोब के बीच में हमने एक स्विच लगाया है, इसमें कोई पावर हमको देनी नहीं है, पावर देनी ओनली फॉर मोटर की स्विच सॉकेट में मोटर के लिए। तो ये थी फ्रेंड्स डोर बेल से वाटर टैंक ओवरफ्लो अलार्म। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर दबा लें। थैंक यू फ्रेंड्स।